हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडी। आज है 2 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज हेल्ड इन अलास्का रिसेंटली। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में आयोजित अलास्का में रेड फ्लैग एक्सरसाइज 24 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, टू कंडक्ट ग्राउंड बेस्ड मिलिट्री ऑपरेशन, सेकेंड टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन अ मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट थ्रू एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग, थर्ड टू ट्रेन नेवल फोर्सेस फॉर मैरिटाइम सिक्योरिटी, या फिर टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग। आपको बताना है कि रेड फ्लैग एक्सरसाइज जिसका आयोजन अलास्का में किया गया, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका जो एम है वो है टू इंटीग्रेट एयर क्रू इन अ मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट थ्रू एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग। आप यहाँ देख सकते हैं, सो एन इंडियन एयरफोर्स कंटिंजेंट अराइव्ड एट एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का फॉर द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज डिप्लॉइंग राफेल फाइटर जेट्स। सो रेड फ्लैग 24 की बात करें तो ये एक 2 वीक एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है विच इंटीग्रेट्स मल्टीनेशनल एयर क्रूज इन रियलिस्टिक सिनेरियोज। सो अप्रोक्सीमेटली 3100 सर्विस मेंबर्स एंड ओवर 100 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट यूजिंग 77,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ एयर स्पेस इन द ज्वाइंट पैसिफिक अलास्का रेंज कॉम्प्लेक्स। और इस एक्सरसाइज कि जो शुरुआत है वो हुई है 1975 से। सो रेड फ्लैग एक्सरसाइज को शुरू किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने आफ्टर द वियतनाम वॉर इन 1975, और इनिशियली इस एक्सरसाइज का नाम था कॉब थंडर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं, निमहंस बेंगलुरु, एम्स दिल्ली, जिपमर पुदुचेरी, या फिर KGMU लखनऊ। आपको बताना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था ने नेल्सन मंडेला अवार्ड जीता है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जीता है निमहंस बेंगलुरु ने। आप यहाँ देख सकते हैं, सो WHO ऑनर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज विद दिस अवार्ड, एंड द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया कॉन्ग्रेचुलेटेड निमहंस एंड ही कॉल्ड द अवार्ड अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज एफर्ट इन इंक्लूसिव हेल्थ केयर। सो द अवार्ड हैज कम एट अ टाइम व्हेन निमहंस इज सेलिब्रेटिंग इट्स 50th एनिवर्सरी एंड निमहंस इज ऑल्सो सेलिब्रेटिंग द 70th एनिवर्सरी ऑफ इट्स प्रेडेसेसर्स द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ। सो नेल्सन मंडेला अवार्ड की बात करें जो कि हेल्थ प्रमोशन से संबंधित है, इसको एस्टैब्लिश किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2019 में, एंड इट रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द हेल्थ प्रमोशन। तो ये संस्था व्यक्ति और गवर्नमेंटल या नॉन जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें भी ये अवार्ड दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन कंपनी इज नॉट फीचर्ड इन द Time 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी भारतीय कंपनी Time 100 की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या फिर इंफोसिस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो जो टाइम्स की
100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी है 2024 की, उस लिस्ट में शामिल नहीं है इन्फोसिस। बाकी जो तीन कंपनीज हैं वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 लिस्ट रिकॉग्नाइजेस कंपनीज दैट हैव मेड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ग्लोबली अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। सो द लिस्ट इंक्लूड्स कंपनीज फ्रॉम हेल्थ केयर, इंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, एनर्जी एंड अदर्स। दिस लिस्ट इज डिवाइडेड इंटू फाइव कैटेगरी, जिनमें शामिल हैं लीडर्स, डिसरप्टर्स, इनोवेटर्स, टाइटन्स एंड पाइनियर्स। सो इस वर्ष की बात करें तो इंडियन कंपनीज हैव मेड अ नोटेबल प्रेजेंस ऑन दिस लिस्ट, एंड द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लेड बाय मुकेश अंबानी एंड द टाटा ग्रुप हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर द टाइटेंस कैटेगरी, वाइल द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लेड बाय अदार पूनावाला हैज बीन प्लेस्ड अंडर द पाइनियर्स कैटेगरी। सो भारत की दो कंपनीज हैं जो कि टाइटेंस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल हैं, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो पाइनियर्स कैटेगरी में शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टू कंट्रीज कोलैबोरेटेड टू कॉम्बैट टेररिज्म ड्यूरिंग देयर सिक्स ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, अपनी छठी संयुक्त कार्य समूह की बैठक के दौरान किन दो देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग किया है या समझौता किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड जापान, जापान एंड चाइना, या फिर यूएसए एंड जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये समझौता किया है इंडिया और जापान ने। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया एंड जापान हैव स्ट्रेंथेंड देयर काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन बाई इंगेजिंग इन डिस्कशंस एंड असेसमेंट्स ऑफ टेररिस्ट थ्रेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव रीजन्स। The two nations have emphasized the importance of combating state-sponsored cross-border terrorism in the South Asia and the misuse of new and emerging technologies by terrorists. So, counter-terrorism discussion between India and Japan held extensive deliberations on the threats of terrorism, including state-sponsored cross-border terrorist activities in South Asia. और इस मीटिंग में जो इंडियन डेलीगेशन है उसको लेड किया था मिस्टर के डी देवाल ने, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्मा आटा डिक्लेरेशन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। यहाँ पर अल्मा आटा घोषणा अभी हाल ही में चर्चा में रही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्राइमरी हेल्थ केयर, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संबंधित है प्राइमरी हेल्थ केयर से। आप यहाँ देख सकते हैं। सो अल्मा आटा डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर विच टुक प्लेस इन अल्मा आटा, जिसको अब अल्माटी कहते हैं, और ये स्थित है कजाकिस्तान में। और ये जो डिक्लेरेशन है ये अडॉप्ट किया गया था 1978 में। सो द डिक्लेरेशन एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एज द की टू अचीविंग द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल बाई द ईयर 2000, एंड इट कॉल फॉर अर्जेंट एंड इफेक्टिव नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्शन टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू आउट द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। द डिक्लेरेशन हाईलाइटेड द नेसेसिटी ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ इन टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट। सो आप ध्यान रखेंगे अल्मा आटा डिक्लेरेशन ये संबंधित है प्राइमरी हेल्थ केयर से, और इसको अडॉप्ट किया गया था 1978 में, और इंडिया इसका सिग्नेटरी भी रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई माइग्रेट प्रोजेक्ट। यहां पर
आपसे ई माइग्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमोट टूरिज्म इन इंडिया, ऑटोमेट द इमिग्रेशन प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट इंडियन वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, देन फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर इनहांस डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। आपको बताना है कि ई माइग्रेट जो प्रोजेक्ट है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये संबंधित है ऑटोमेट द इमिग्रेशन प्रोसेस एंड प्रोटेक्ट इंडियन वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। आप यहाँ देख सकते हैं द ई माइग्रेट प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोमेटिंग द ई माइग्रेशन प्रोसेस एंड प्रोटेक्टिंग इंडियन वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सो इट एम्स टू क्रिएट अ सेंट्रलाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम दैट लिंक ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द इमिग्रेशन लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग इंडियन मिशन, इम्प्लॉयर्स, रिक्रूटिंग एजेंट्स, इमिग्रेंट्स एंड इंश्योरेंस एजेंसीज। सो द ई माइग्रेट प्रोजेक्ट इज अंडरटेकिंग टू असिस्ट मेनली द ब्लू कॉलर वर्कर्स गोइंग टू इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कंट्रीज। तो जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं मुख्यतः ये उनसे संबंधित है और उनकी सुरक्षा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द सी ऑफ जापान। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन देशों की जो सीमा है वो जापान सागर से लगती है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, फिलीपींस एंड साउथ कोरिया, या फिर जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड रशिया। नेक्स्ट जापान, ताइवान एंड फिलीपींस, या फिर जापान, चाइना एंड रशिया। आपको बताना है कि सी ऑफ जापान का जो बॉर्डर है वो किन कंट्रीज से लगता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो वो कंट्रीज हैं जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और रशिया। आप यहां देख सकते हैं द सी ऑफ जापान इज बॉर्डर्ड बाय द जापानीज आइलैंड ऑफ होकाइडो, होन्सू एंड क्यूसू टू द ईस्ट एंड साउथ, एंड बाय नॉर्थ कोरिया टू द वेस्ट एंड बाय साउथ कोरिया टू द साउथ वेस्ट। सो इट इज बॉर्डर्ड बाय द रशियन मेनलैंड एंड द आइलैंड ऑफ सखालिन टू द नॉर्थ। सी ऑफ जापान की बात करें तो ये एक मार्जिनल सी है बिटवीन द जापानीज आर्किपेलागो, सकालिन, द कोरियन पेनिनसुला एंड द मेनलैंड ऑफ रशियन फार ईस्ट। सो द जापानीज आर्किपेलागो सेपरेट्स द सी फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। आप यहाँ देख सकते हैं सी ऑफ जापान और जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो है रशिया, देन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इधर जापान का ये पूरा क्षेत्र। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।